हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यह वही जगह है जहां से मेरी ननद की शादी होने वाली है और यहां बारात आने वाला है। बहुत ही शानदार डेकोरेशन था यहां का। और ये हमारे गांव में न्यू मैरिज हॉल खुला हुआ है, तो अभी न्यू है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ। तो मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ होटल जहाँ से शादी होने वाली है। और ये देखिए, यहाँ जयमाल होने के लिए स्टेज बना हुआ है। मैं कुछ पास से कैमरे से आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का डेकोरेशन हुआ है। ऑल ओवर अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मैंने भी यहाँ एक दो पिक्चर क्लिक करवाए, मेरी बेटी ने भी पिक्चर क्लिक करवाए। और मैं अब यहाँ बैठ चुकी हूँ एक पिक्चर लेने के लिए, कुछ पोज दी, फिर मैं यहाँ से निकल पड़ी। और मैं अब लिफ्ट से जा रही हूँ तीसरे मंजिले पे, जहाँ लड़की जो है, ब्राइडल जो है, तैयार हो रही थी। तो यहाँ एक बच्चे ने कुछ किया था, मेरे फेस का जो रिएक्शन है आप उसको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ कुछ हो रहा था, पर मैं उसको कैद नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा जो था वो मेरे तरफ था। तो अब हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और थर्ड फ्लोर में जा रहे हैं। और हमारा गांव अब इतना विकसित हो चुका है फ्रेंड, फर्स्ट टाइम है जो हमारे यहाँ इतना अच्छा मैरिज हॉल खुला है। मैरिज हॉल है पर इस तरह का नहीं था। और मतलब ये इस मैरिज हॉल को देखने से लगता है जो हम लोग किसी टाउन में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरी बगल की थी तो वो भी बोली आंटी मैं भी जाऊंगी। मैं उन्होंने कहा चलो। तो अब हम लोग फाइनली थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं जहाँ ब्राइडल और सभी लोग बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह चल रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप बताइएगा मेरी साड़ी आपको कैसी लगी और मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। मुझे जितना आता है मैं खुद से ही करती हूँ क्योंकि हम लोग उतना नहीं, क्या मैं बोलूँ, उस मैं उतना किसी भी पार्लर में जाके रेडी होने के लिए हर वेडिंग में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो हम लोगों को जितना आता है मैं खुद से ही करती हूँ, आप ज़रूर बताएं। कार पर अब कर देना चाहिए, चालू अब कर देना चाहिए। ओ अच्छा, चलता ही नहीं है। था तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग खाना खा लें, क्योंकि फिर द्वार, हम लोग के यहाँ बराती जब आता है तो द्वार लगता है, बहुत सारे रस्में होती हैं, उसके बाद ही जयमाला होती है। तो हम लोग यहाँ खाने के लिए थाली या प्लेट जो भी बोलिए हम लोग, मैं अपने भाषा को बीच बीच में ले आती हूँ, मैं उतना ही ले रही थी जितना मैं खा पाऊँ। मैंने सैलेड ज़्यादा लिया था और खाना भी बहुत ही अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, पर मैंने जितना लिया फ्रेंड सही बताऊँ मैं उतना भी नहीं खा पाई। तो सभी लोग खाना को एंजॉय कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।